बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकालो यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, करण और वरण की तरह। हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया, डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से, आज से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर चल रहा, ये रहा मेरा ताजमहल। आज तक ये मेरा था, अब ये तुम्हारा हो गया। जिन्होंने तुझे अपनों से दूर किया, उनसे दूर होने का दुख हो रहा है तुझे। जो हुआ उसे भूल जाएगा, और आज से जिंदगी की शुरुआत कर, एक नई जिंदगी की। चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। आजा आजा आजा। सुनिए, आज हमारी सुहाग रात है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मना तो नहीं करेंगे? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन देवी कह सकता हूं, मेरी इस हथेली में चंद लकीरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? घर वाले सोच रहे होंगे हम जिंदगी भर दुख उठाएंगे। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहागरात न मनाएं। देखिए, मिठू भी कह रहा है ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगा। जा कहां रहे हैं? बाहर। क्यों? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस कमरे में भी सो सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं सो जाता हूँ। अरे अरे, आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक साथ एक ही बिस्तर पर भी सो सकते हैं। तुम्हें लगता है कि छत के नीचे एक ही बिस्तर पर
हम दोनों एक साथ सोकर वो कंट्रोल कर सकेंगे? कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ। मैं लाइट बुझाती हूँ। सुनिए, आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो मेरा मतलब है अगर हम कल से कंट्रोल करें तो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे इस घर में छिपकलियां बहुत हैं। कल फिर अगर तुम्हारी साड़ी में वो मिठू भी बोल रहा है राधा। अरे राधा, ओहो, अरे अरे क्या हुआ? अरे नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी। नौकरी मिलने के इतने फायदे। जी, अच्छा ये बताइए काम कहाँ मिला? काम मिला है बस कंपनी। कैसा काम बताइए ना? बिल्कुल मालिक जैसा। मालिक? हाँ, मालिक के बाद मैं ही मालिक हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ा ही साफ सुथरा काम है। जो काम के लायक नहीं होता ना उसे हम निकाल बाहर करते हैं। निकाल बाहर करते हैं? हाँ, कहने का मतलब यह है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो सब मेरे ऊपर है। पूरी जिम्मेदारी? हाँ। बड़ा कठिन काम होगा। नहीं, कठिन काम तो नहीं है, बड़ा आसान काम है। मालिक बैठ के करता है, मैं लेट के। चलो मैं खुश हूँ आपको नौकरी तो मिल गई। और ये देखो 500 रुपया एडवांस। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे। मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत खर्चा, मुझे 500 चाहिए। दो लोग मुझे 500 रुपया दिए। ये लो, इसमें से 250 रुपया ये लो तुम रखो, और ये बाकी के 250 रुपए से महीने का राशन खरीद के लाता। तुम जल्दी से मुझे लिस्ट बना करके दो। हाँ चलो 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 चलो। ये रखा ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मगर यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ तुम हो। तुम गए तो मैं भी गया। जय हो भारतीय टेलीफोन निगम की। शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? मेरे 10,000। हेलो, मेरे पैसे कब? हेलो, मेरे हेलो 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 मैं हेलो मैं हेलो मैं हेलो मैं मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब क्या है, निकलो यहाँ से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो करो करो। साइड। हेलो। हाँ बोलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, पर्सनल है? वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंधे की एक्टिंग कर रहा है वो मेरा मामा है, जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। बस एक मिनट, बस करो ना जी। अरे बस हो गया, एक 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 शाबाश,
ये लो पानी, ये लो पानी पी लो। अब बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा। अरे डैडी, आप कब आए? बस पायलट हूँ जी। जीते रहो बेटे। आप कैसे हैं डैडी? एकदम फर्स्ट क्लास। और तुम दोनों को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मम्मी, भाभी, भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है। आइए बाबूजी, बैठिए ना। आइए। थैंक यू बेटा। बेटा ये तो बताओ, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं तो। तो फिर ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा। तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, पर शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर, अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूँ तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी, अब तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम लेंगे। मगर बेटी। नहीं डैडी, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा डैडी, ये बताइए आप क्या खाएंगे? खाऊंगा, बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीता। नए जमाने के इतने बड़े वकील होकर आप पुराने ख्यालात की वकालत करते हैं, बताइए ना क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। बैठे ना बाबूजी, बैठे। सुनिए। हाँ आया। एक मिनट, जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। हाँ, हाँ दादी। बस बोलिया। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ सुनी, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ अभी लाता हूँ। अरे क्या हुआ बेटी? मैं इसमें शक्कर डाल के लाती हूँ, तू जाके बाहर रहे क्या? सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबूजी, आइए आइए, बैठिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ, जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई? ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी, ये ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ मीठी भात। मीठी भात? हाँ, रात का भात रखा था मैंने, उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी भात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ।